आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हमारी खास पेशकश नगर संग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो यूपी निकाय चुनाव को लेकर जंग छिड़ी हुई है। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में जोरों शोरों से लगी हुई हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर चंदौली के चकिया के वोटरों में कुछ खास गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रमेश गुप्ता ने पर्चा उठा लिया है, जिसकी वजह से समीकरण कुछ अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वही मीरा जायसवाल के पक्ष में मुस्लिम मतदाताओं का रुझान काफी देखा जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं चकिया की जनता का आखिर रुझान क्या है और चकिया की जनता किसे ज्यादा पसंद कर रही है हमारी इस रिपोर्ट में। हम आदर्श नगर पंचायत चकिया के वार्ड नंबर 8 दुर्गा नगर कॉलोनी में मैं आ चुका हूं। ये दुर्गा नगर में देखते हैं आपको यहां का जीरो संवाद में दिखाता हूं, जीरो पॉइंट से कि यहां के जनता का रुझान क्या है। वैसे मैं बताऊँ आपको कि सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सारे प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन भर दिया है। कल तक यानी 20 तक जो है लास्ट डेट है पर्चा उठाने का। समीकरण क्या होगा और कैसे होगा, किस फूट करवट बदलता रहेगा, मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। लेकिन फिलहाल आज मैं जीरो पॉइंट पर आया हूँ और यहाँ के हर वोटर से मैं नब्ज टटोलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस। मैं कांग्रेस का बता दूं आपको कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं कम उम्र होने के नाते उनका फॉर्म जो है कैंसिल कर दिया गया है। कांग्रेस की लड़ाई जो है चकिया नगर पंचायत से गेंद से बाहर हो गई है। ऐसे में केवल सपा बसपा और निर्दल प्रत्याशी कुछ लोग हैं। जो निर्दल प्रत्याशी हैं वो भी देख रहे हैं यहाँ कुछ लोगों का समीकरण बिगाड़ रहे हैं। मैं आपको खुद बात करके दिखाता हूँ यहाँ की जनता आपसे क्या कहती है। जी, आप इसी वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 8 दुर्गा नगर में। जी, तो ये बताएं कि चुनाव आ गया है जी, और ऐसे में आपका तजुर्बा क्या बता रहा है कि कौन सी पार्टी यहाँ जीतेगी, या कौन सा नाम अगर बताना चाहते हो कौन जीतेंगे यहाँ से? ऐसे नाम ही पर्सनल देखिएगा जी, तो साइकिल जीतेगी। साइकिल जीतेगी जी हाँ। अच्छा, साइकिल से कौन है? मीरा जायसवाल जीतेंगी। अभी तो आप धीरे धीरे खुल रही हैं। अभी लहर है उसके आगे, अब देखिए क्या बदला जाएगा, क्या निकलेगा, लेकिन अभी फिलहाल मीरा जायसवाल आगे हैं। ये मोदी जी ने काम किया है, कहते हैं गैस दिया और फ्री में अनाज बांटते हैं भाई साहब। मोदी जी का नहीं है। जी, तो यहाँ मोदी जी का कोई प्रतिनिधि अगर आता है तो उनको नहीं देखेंगे? नहीं यार, देखते हैं, उनको भी देखते हैं, लेकिन हमारे नगर का विकास हमको चाहिए, लेकिन वो सबका देश का विकास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक नंबर की बात, बिल्कुल। इसलिए हम लोग उनको ही वोट देते हैं, देश में मोदी जी को देखते हैं। बिल्कुल, हम काम पे चलते हैं जी, बिल्कुल। मोदी जी अच्छा काम करते हैं, हम उनको वोट देते हैं। धन्यवाद। दुक्कू भैया, ये बताइए कि चुनाव आ गया है नगर पंचायत चकिया में और सब लोग वोट मांगने आते होंगे? अरे बहुत आदमी आवत हो। अच्छा, बहुत आदमी आवत हो, तो उमन के निर्णय लेला, के देवल जाए भाई? हम निर्णय कोई के नहीं ले। अच्छा, अभी निर्णय नहीं लिया आपने? अच्छा, देख रहे हैं आप, अभी इन्होंने निर्णय नहीं लिया है। तो अगर मान लीजिए किस आधार पर निर्णय लेंगे आप? अब शुरू आ जाए समय तो लिया। अच्छा, मुंड करी वहाँ मराई। अच्छा, मुंड करेगा? मुंड कैसे करेगा? दिमाग था, दिमाग पे हर चली वर चली। तो क्या ऐसा भी है रुपया दारू मुर्गा मछली के आधार पर भी चल सकता है? कोनो देले हुआ नेता या कोनो परेता देले हुआ तू पूछ ले। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं मिली आपको? सरकार की तरफ से चुनाव आ गया है चकिया का, तो हर 5 साल पर आता है। हाँ। तो अभी बहुत सारे लोग वोट मांगने आते होंगे। हाँ। तो आपने कुछ निर्णय लिया कि किसको यहाँ का नगर सेवक बनाया जाए, किसको चेयरमैन बनाया जाए? भैया देखा, नगर सेवक हम तो भाजपा के दे है ना, भाजपा के दे, भाजपा जी। लेकिन एक बात यह है कि हमारे आवास नहीं आया, रिपेयरिंग में डाल देना। जब 4 साल हम दौड़ ली, हमारे कोई सुनवाई नहीं, कौनो बात का सुनवाई नहीं। हमारे मतलब दो लड़का हुआ थोड़ा हुआ, लेकिन कोई कुछ सुनत नहीं। अच्छा, हाँ, तो आप वोट भाजपा को करेंगे और कोई सुन नहीं रहा है तो भी क्यों? फिर भी भाजपा को ही करेंगे। चुनाव आ गया है नगर पंचायत का, चकिया में किसको वोट देंगे, पसंद करेंगे आप? मैं तो समझे में नहीं आऊँगी। अच्छा, चकिया में कुछ काम हुआ है?
अरे होए के तो बहुत भर भर नहीं हो भर। अच्छा जो हुआ है वो बता दीजिए। वही घर द्वार बनल बा। अच्छा बना है। हाँ। अच्छा ये किसके रिजीम में बना है? यही मोदी के सरकार में। मोदी सरकार में बना है। हाँ। जी तो वोट मोदी जी को ही देना चाहिए। वार्ड नंबर 8 से आप हैं। ये बताइए नगर पंचायत में चुनाव का समय आ गया है, ऐसे में किनको आप बना रहे हैं चेयरमैन या किसको सभापति बना रहे हैं? हमारे वार्ड से तो वार्ड नंबर 8 से राजू मामाली जो है बीजेपी से है। अच्छा वो हमको में तो जीत जाएगा। जीत जाएगा कि आप लोग जिताएंगे? चुनाव जिताएंगे जीत जाएगा। अच्छा सभी लोग वोट कर रहे हैं उनको? हाँ बीजेपी जी। भाजी क्या नाम है आपका? बिरचन यादव। बिरचन यादव आप चकिया से ही हैं? हाँ। तो ये बताएं कि चुनाव आ गया है, ऐसे में किसको वोट करेंगे, किनको चेयरमैन बनाना चाहेंगे आप? मोदी का भाई झूठा नहीं बोली। नहीं नहीं ये हम मीरा जसदार को बनाएंगे। अच्छा हमारा बात वही है। हाँ ये तो अपना वोट है, हम जिसको चाहेंगे उसको वोट करेंगे। मीरा जायसवाल। हाँ मीरा जसवाल को बनाएंगे। मीरा जायसवाल को क्यों बनाएंगे, क्या खासियत है थोड़ा सा बताएं? वो हमारे साथ कुछ काम ऐसा किया है इसलिए उसको हम देंगे। अच्छा आपके साथ ही वो अच्छा काम किए हैं या सबके साथ करते हैं अच्छा काम? ना हमारे साथ किए हो या सबके साथ किए हो ना किए हो बल्कि हम उनको वोट देंगे। आपके पास अनुभव ज्यादा है, आपकी उम्र बड़ी है, तो कुछ बताएंगे ना कि काम अच्छा करते हैं कि नहीं करते? वही काम तो कर ली। अच्छा हम उन्हीं को देंगे। अच्छा हाँ ठीक है। भाजपा के लोगों ने काम कुछ नहीं किया? भाजपा को हम नहीं देंगे वोट। अच्छा क्यों? हमारे कारण के भाजपा को नहीं देंगे। भाजपा को नहीं देंगे या फिर ये जो उत्तर प्रदेश जल रहा है बिरादरी बात से इस नाते आप नहीं देंगे? नहीं बिरादरी बात की बात नहीं है, हम कमल के फूल को नहीं देंगे। कमल के फूल को आपने कसम खा लिया है कि चाहे वो कितना भी अच्छा काम करे आप वोट नहीं करेंगे? हमारा ये कोई बढ़िया काम नहीं किया। बोर्ड दिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत, आइए हम बात करके दिखाते हैं इनका क्या कहना है और ये नगर निकाय चुनाव को लेकर ये कितना एक्टिव है और ये क्या कहते हैं। जी आपका नाम क्या है? मुन्ना विश्वकर्मा। मुन्ना विश्वकर्मा जी। मुन्ना जी ये बताएं कि आपके ऊपर लगा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जी, ये आपको आवास मिला है जी, ये आवास में रहते हैं आप जी, तो सरकार अच्छा काम कर रही है? सरकार तो अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। इस बार चुनाव नगर पंचायत का आ गया है तो वोट किसको देना पसंद करेंगे आप? अभी तो फिलहाल में तो कोई निर्णय आया नहीं है। अच्छा निर्णय नहीं आया जी? नहीं। अच्छा लेकिन फिर भी तो रहूंगा कि हमको तो योगी को देखना है। योगी जी को देखना है? अरे वाह, योगी जी को ही क्यों देख रहे हैं, मोदी जी को नहीं? योगी से ही मोदी, मोदी से योगी। हाँ राइट, दोनों योगी जी मोदी जी एक ही हैं। अच्छा दोनों में चर्चा किया जाए आपसे, योगी जी अच्छे हैं कि मोदी जी? नहीं दोनों, दोनों अच्छे हैं। दोनों में सबसे अच्छा कौन है? मोदी जी। अरे वाह क्या बात है, तो मोदी जी ने आपने आपको आवास दिया इसलिए आप कह रहे हैं? जी नहीं। हाँ काम भी अच्छे किए हैं। काम भी अच्छा किए हैं। एक आध काम बताइए विश्वकर्मा जी। बहुत से काम तनु हुआ कि है, जो पहले हमारे देश का तनु हुआ कि नाम चर्चित में नहीं था, आज तनु हुआ कि पूरे देश में तनु हुआ कि हमारे मोदी जी के नाम चर्चित है। वाह देखा आपने, ये विश्वकर्मा जी हैं पहले व्यक्ति जो नगर पंचायत चकिया से मिले हैं, ये ज्यादा प्रभावित हैं योगी जी और मोदी जी के नामों से। मैंने पूछा है आपने देखा भी होगा, गौर करिए उस पे, इन्होंने कहा नेशनल और इंटरनेशनल राजनीति की बातें करते हैं, हम चकिया नगर निकाय चुनाव की बात लेकर यहाँ पर आए हैं और ये हमको इंटरनेशनल राजनीति की बात कह रहे हैं, विश्व पटल पर मोदी जी का नाम है इसलिए मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। मैं अपने कैमरामैन अजय जायसवाल के साथ चंद्रभूषण चौबे, प्राइम टीवी चकिया चंदौली। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।